हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे आइशर ट्रक्स एंड बसेस का मिनी ट्रक। आकार में है ये छोटा और फुर्तीला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। अगर आप शहर के अंदर गुड्स मूवमेंट करते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये आपके लिए आइडियल है। हम बात कर रहे हैं आइशर प्रो 2049 की। सब 5-ton कैटेगरी वाला ये ट्रक मेनली मुकाबला करता है टाटा 4SFC के साथ। वैसे 1.5 से 1.75 ton पिकअप वाले कस्टमर्स के लिए भी एक बहुत बेहतरीन विकल्प है अपग्रेड का, जिसमें आपका रनिंग कॉस्ट लगभग सेम रहता है, लेकिन आपकी कमाई 50 से 60% तक बढ़ जाती है। डीजल के साथ साथ ये CNG फ्यूल ऑप्शन में भी अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इसकी लोडिंग कैपेसिटी, इसका अनोखा इंजन जो अभी तक आपने ट्रक्स में नहीं देखा होगा, इसकी माइलेज, फीचर्स, कीमत, EMI एवं तमाम जानकारी। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके खूबसूरत केबिन से। तो दोस्तों, ये है 1.8 मीटर चौड़ा नए जमाने का टिल्टेबल केबिन। बेहद खूबसूरत डिजाइन, बेहद खूबसूरत फ्रंट फेशिया, ऊपर सिंगल पीस विंडशील्ड, बीचों बीच आपको पिगासस फैमिली लुक मिलेगा ये ब्लैक एलिमेंट में, इसी के ऊपर इटैलिक्स में कंपनी की ब्रांडिंग लोगो, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हेडलैम्प असेंबली, DRLs इसके अंदर लगे हुए हैं जिन्हें आप डे टाइम रनिंग लाइट्स कहते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हेडलैम्प्स क्लियर लेंस हेडलैम्प्स हैं, जिसकी ल्यूमिनोसिटी बहुत अच्छी होती है, रात के अंधेरे में ये रोशनी बहुत देते हैं। नीचे की ओर आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और बढ़िया स्लीक सा बम्पर आपको इसमें मिलेगा। इस ओर प्रो 2049 मॉडल की ब्रांडिंग की गई है और इस ओर आपको UTEC 6 की ब्रांडिंग। UTEC 6 इज बेसिकली द BS6 ब्रांडिंग ऑफ आइशर ट्रक्स एंड बसेस। दोस्तों, ड्यूअल पैनल केबिन है ये यूरोपियन क्रैश नॉर्म्स को पास करता है। साइड में अगर आप नजर डालेंगे तो बढ़िया व्हील आर्चेस दी गई हैं, कर्व्स दी गई हैं दरवाजों पे, ये लुक्स को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ दरवाजों की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। डोर नॉब्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी वर्टिकल डोर नॉब्स हैं, लुक्स वेरी ट्रेंडी। दरवाजों पे ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं दोनों दरवाजों पे, और इसी पे ही रियर व्यू मिरर्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एम बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग भी की गई है। सो एम बूस्टर प्लस इज बेसिकली जो मल्टी ड्राइव मोड टेक्नोलॉजी है आइशर ट्रक्स एंड बसेस की, उसको कंपनी एम बूस्टर प्लस बोलती है। 4995 kg ग्रॉस वेट के साथ ये आपको 2.4 ton का हाई रेटेड पे लोड देता है, क्लास लीडिंग इन द सेगमेंट। लोड कैरी करने के लिए इसमें 10.4 फीट लंबी लोड बॉडी है, जो कि श्रेणी में सबसे लंबी लोड बॉडी है। अगर आप डाले की चौड़ाई की बात करेंगे तो 6 feet 1 inch लंबाई डाला चौड़ा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो डाले की मजबूती को बढ़ाता है, जो कॉरुगेशन आप देख रहे हैं डाले की साइड वॉल्स में, इनकी डेप्थ बढ़ाई गई है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि हम बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर सीखा करते थे। दोस्तों, ड्यूअल टोन कलर में बहुत खूबसूरत इंटीरियर्स हैं इसके, वेरी वेल, वेरी फीचर रिच व्हीकल। बड़ी विंडशील्ड है सामने, अच्छा व्यू देती हुई। इसी के ऊपर पेस्टेड है FM एंटीना, जो कि इस 18 cm के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है। इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं देती। इसमें FM, USB, तमाम आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। ड्यूअल टोन आपको डैशबोर्ड मिलेगा, इसमें लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कार्ड होल्डर भी आपको अलग से दिया गया है, आप मंदिर यहाँ पे बना सकते हैं। ब्लैक कलर का ये सेंटर कंसोल, इसमें 4-speed ब्लोअर है, हेडलैम्प लेवलर भी है, 12 volt का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। इस ओर अगर आप देखेंगे तो अच्छी कुशनिंग वाली सीट्स दी गई हैं, कहीं आपको ड्राइवर को ब्रेक्स मिलते हैं तो उस केस में ड्राइवर पार्किंग ब्रेक के लीवर को डाउन करके सो भी सकता है। ड्राइवर सीट पे भी अच्छी कुशनिंग, साइड सपोर्ट भी और अंडर थाई सपोर्ट भी। इसको आप 4-way एडजस्टेबल है ये ड्राइवर सीट, बैक सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इट हैज़ गॉट द लॉन्गेस्ट सीट ट्रैवल इन द इंडस्ट्री, 18 cm आप इस सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर अपने कद काठी के हिसाब से ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ नॉट जस्ट द ड्राइवर सीट, जो स्टीयरिंग है, पहली बात ये पावर स्टीयरिंग है, दूसरा ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग है, तो ड्राइवर को अपने हिसाब से आगे पीछे इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकता है, साथ ही साथ ऊपर नीचे भी। सो मोस्ट कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन एंड मोस्ट कंफर्टेबल स्टीयरिंग पोजीशन, इससे ड्राइवर फटीग कम होती है। दोनों ओर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो आपको ओवरहेड स्टोरेज ट्रेज मिलेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं अपने। यहाँ पे नाइट लैम्प, ऊपर देखेंगे रूफ क्लैडिंग, बड़ी प्यारी फिट एंड फिनिश। दोनों ओर को ड्राइवर एवं ड्राइवर साइड में आपको यूटिलिटी हुक दिए गए हैं, ड्राइवर अपने कपड़े वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें टांग सकते हैं। ट्रेंडी सा
गियर लीवर 5-speed गियरबॉक्स है इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया ट्रेंडी गियर लीवर यहाँ पे दिया गया है। फोन को रखने के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा स्पेस बनाया गया है। आप इस फोन को इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, वो सारे कंट्रोल्स म्यूजिक से रिलेटेड, कॉल से रिलेटेड इस स्टीयरिंग के ऊपर ही दिए गए हैं। आप कॉल कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, म्यूजिक की लिस्ट को, ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। सारा सिस्टम आप इसी स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान गाड़ी चलाते टाइम इस ओर ना जाए, आपको इधर की तरफ हैंड मूवमेंट ना करना पड़े, यहीं से ही आप पूरा पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी में राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। सो इस सेगमेंट के अंदर क्रूज कंट्रोल भी आपको किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। आमतौर पे तो क्रूज कंट्रोल हम लोग कार में यूज करते हैं, वो भी लॉन्ग हाईवेज पे, लेकिन ट्रकिंग में भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस, आइशर ने ILCV ट्रक्स के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसका फायदा क्या है, जब आप लॉन्ग हाईवेज पे चलते हैं, प्लेन स्ट्रेचेस पे चलते हैं, आपने टॉप गियर में गाड़ी लगा के एक ही स्पीड पे निरंतर चलते जा रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटर पे पैर देके नहीं रखना है, आप पैर को आराम दे सकते हैं। क्रूज कंट्रोल को एंगेज कीजिए, गाड़ी उसी स्पीड पे बरकरार निरंतर चलती जाएगी, तो आपके पैर की थकान कम होगी, आपकी बॉडी की फटीग कम होगी, प्लस इससे माइलेज भी इंप्रूव होती है। बहरहाल एक नए जमाने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मेरे सामने, जिसमें 4 डायल्स हैं, 2 अलग अलग हाउसिंग के अंदर और बीचों बीच एक बड़ी सी MID स्क्रीन है। चारों डायल्स आपको बताते हैं स्पीड, इंजन RPM, इंजन टेम्परेचर एवं फ्यूल लेवल, और जो बीच की MID स्क्रीन है वो आपको ओडोमीटर रीडिंग से लेके फ्यूल लेवल से लेके AdBlue लेवल से लेके टाइम, डेट, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इसमें फ्यूल कोचिंग नाम का भी है। तो फ्यूल कोचिंग क्या है, आप देखेंगे जो 2 हाउसिंग है इसके बाहर बाहर कलर बैंड्स बने हुए हैं, ये इंजन RPM और किस गियर में आपकी गाड़ी है इसके बेसिस पे ड्राइवर के लिए एक रियल लाइफ कोच के तौर पे काम करता है। ग्रीन बैंड यानी आप मोस्ट ऑप्टिमम गियर के अंदर मोस्ट ऑप्टिमम RPM इंजन RPM के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, जिससे आपको बेहतरीन माइलेज फिलहाल मिल रही है, अच्छे चला रहे हो, इसी तरीके से चलाते रहिए। और अगर इसमें आपको रेड बैंड मिल जाता है, मतलब आपका गियर जो है वो इंजन RPM के हिसाब से, गाड़ी की स्पीड के हिसाब से सही गियर में गाड़ी आपकी नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से ड्राइवर को निरंतर कोच करता रहता है, ट्रेन करता रहता है, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्राइवर हैबिट्स चेंज होती हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, माइलेज, सब कुछ चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती हैं। प्लस एक नया फीचर हमें इस गाड़ी में देखने को मिला, इजी ड्राइव कंपनी इसे कहती है। तो इजी ड्राइव क्या करता है, आप शहर के ट्रैफिक में हैं, लाल बत्ती पे हैं, जैसे लाल बत्ती खुलती है तो आप पहले गियर में गाड़ी को लगाते हैं, धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ते हैं और एक्सेलरेटर को दबाते हैं, रेस देते हैं। इस गाड़ी में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप क्लच दबा के गियर चेंज कीजिए और क्लच को छोड़ दीजिए, रेस के ऊपर से आप पैर हटा भी लेंगे तो भी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी। सो दिस इज इजी ड्राइव। जनरली ट्रक्स के अंदर बिना रेस दिए गाड़ी लोड नहीं उठा पाती है, कार्स के अंदर हम देखते हैं क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी चलने लग जाती है, वही फीचर कंपनी ने इसमें देने की कोशिश की। सो ऑल इन ऑल वेरी ब्यूटीफुल एक्सटीरियर जो हमने आपको बताया, इंटीरियर्स भी बहुत खूबसूरत हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्पीकर्स फिटेड हैं, 2 ट्रिम्स में अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर है, न्यूज़पेपर पॉकेट होल्डर है, और 2 ट्रिम में ही आर्मरेस्ट का भी प्रोविजन दिया हुआ है, तो लंबी ड्राइव पे आप आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जिससे कि ड्राइवर की थकान कम होती है, ड्राइवर की फटीग कम होती है, ड्राइवर का अटेंशन बना रहता है रास्ते की ओर, और प्रोडक्टिविटी ऑल इन ऑल बढ़ाती है। दोस्तों ये जो विंडशील्ड है ये पेस्टेड विंडशील्ड है, तो कंपनी की अगर माने बाहर के मुकाबले ये इंटीरियर्स को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखता है। 2580 mm के शॉर्ट व्हीलबेस पे आधारित है। व्हीलबेस का मतलब होता है दोस्तों पिछले टायर के सेंटर से लेके अगले टायर के सेंटर तक की दूरी। इस शॉर्ट व्हीलबेस और फुली फॉरवर्ड कंट्रोल वाले कॉम्पैक्ट डिजाइन के चलते ये आपको देता है बेस्ट इन द इंडस्ट्री 10 मीटर का शॉर्ट टर्निंग सर्कल डायमीटर। इसका मतलब है कि आप भीड़भाड़ वाले सिटी ट्रैफिक, सकड़ी गलियों एवं टर्निंग्स इत्यादि में बड़ी आसानी से अपना रास्ता काटते हुए मूव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 16 इंच के नायलॉन टायर्स लगे हैं, ये आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे देते हैं। पीछे और आगे दोनों जगह पे सादा पट्टा कमानी लगाई गई है, वो भी ग्रीस फ्री लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग्स। इसका फायदा ये होता है कि आपका मेंटेनेंस का खर्च कम हो जाता है। एक और बड़ा स्पेशल फीचर है इसमें, जिसे एंटी रोल बार कहते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों ही जगह पे एंटी रोल बार्स फिटेड हैं। तो बेसिकली कैसे काम करता है, उबड़ खाबड़ रास्तों में या हाई स्पीड टर्निंग्स के दौरान ये गाड़ी का बैलेंस बनाए रखता है, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ती है, गाड़ी के पलटने का खतरा कम हो जाता है। इस ट्रक में
ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स लगे हैं, ऑफरिंग यू द शॉर्टेस्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड बेस्ट इन क्लास सेफ्टी। दोस्तों, जब आप कार्स में देखते हैं तो फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और पीछे की ओर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। जब प्रीमियम कार्स आप देखेंगे, महंगी कारों में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स लगे होते हैं, वही चारों डिस्क ब्रेक्स इस आयशर ट्रक में भी लगे हैं। लगभग 15% तक ब्रेकिंग डिस्टेंस को ये कम कर देता है व्हेन यू कंपेयर इट विद ड्रम ब्रेक्स। ये है दोस्तों एडब्लू टैंक और ये पॉलीमर मटेरियल से बना हुआ 60 लीटर का डीजल टैंक। दोस्तों प्रो 2049 के अंदर सीएनजी वेरिएंट भी आता है, जिसमें सीएनजी सिलेंडर माउंटिंग चेसी के नीचे रहती है, जिससे शार्प टर्निंग्स के दौरान गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहती है, गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा हो जाता है। इस ट्रक में लगा है नया E366 इंजन। ये 2 लीटर वाला 3 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों आमतौर पे ट्रक्स के अंदर आपको 3 सिलेंडर वाले इंजन नहीं मिलते और ये एक बहुत बड़ा कारण है इसकी शानदार माइलेज का। ये आपको 100 हॉर्स पावर की मैक्सिमम ताकत देता है और 285 न्यूटन मीटर का फ्लैट टॉर्क, जो कि 1250 RPM से लेके 2500 RPM तक आपको निरंतर मिलता रहता है। मतलब दिस ट्रक रिक्वायर्स लेसर गियर शिफ्ट्स एंड ऑफर्स बेटर माइलेज। आप इस ट्रक से लगभग 10 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गाड़ी में लोड, रोड कंडीशन एवं ड्राइवर हैबिट्स। कंपनी का दावा है कि श्रेणी के किसी भी अन्य ट्रक के मुकाबले लाइक टू लाइक कंडीशन के अंदर ये ट्रक लगभग 7% एक्स्ट्रा माइलेज देता है। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है इस ट्रक के अंदर और आपको इसमें 34% की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। 60 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आप लगभग 550 से 650 किलोमीटर चल सकते हैं बिना रिफ्यूलिंग के। दोस्तों इसका इंजन ऑयल चेंज इंटरवल 50,000 किलोमीटर पे आपको करवाना होगा, जो कि अगेन इस श्रेणी में सबसे बेहतरीन है। तो दोस्तों बाहर हमने आपको एम बूस्टर प्लस के बारे में बताया था। इस गाड़ी में 3 मल्टी ड्राइव मोड्स हैं, पावर, इको एवं इको प्लस। अगर गाड़ी में लोड पूरा है, ग्रेडियंट्स पे चल रहे हैं आप, स्लोप्स पे चल रहे हैं, तो पावर मोड में आपको गाड़ी की पूरी ताकत मिलेगी, पूरी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अगर गाड़ी में लोड रेटेड लोड है या कम लोड है एवं गाड़ी प्लेन स्ट्रेचेस पे चल रही है, तो आप इको मोड को बटन को एंगेज करके आप गाड़ी से माइलेज बढ़ा पाते हैं। और अगर गाड़ी बिल्कुल खाली है, प्लेन स्ट्रेचेस पे चल रही है, आपने कहीं पे लोड गाड़ी में से उतार दिया है, रिटर्न ट्रिप में आप खाली आ रहे हैं, तो इको प्लस मोड पे एंगेज करके गाड़ी को आप गाड़ी से पूरी माइलेज का फायदा उठा सकते हैं। प्लस दोस्तों इसके अंदर आयशर लाइव नाम का टेलीमेटिक सोल्यूशन भी है। आप इस गाड़ी से कनेक्टेड रह सकते हैं 24 घंटे अपनी मोबाइल ऐप के द्वारा। सारी चीज़ें इस गाड़ी की परफॉर्मेंस रिलेटेड इस आयशर लाइव टेलीमेटिक्स के थ्रू आप देख सकते हैं। आयशर अशोर करता है इसे सब फाइटन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेफ, क्योंकि इसमें सारे पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं, आगे और पीछे एंटी रोल बार, DRL, फॉग लैम्प, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे तमाम फीचर्स जो कि हिंदुस्तान में और कोई कंपनी नहीं देती। इस ट्रक की एक्सशोरूम कीमत आपकी स्क्रीन पे दी गई है। बेहतरीन ऑफर्स एवं लोन की जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।